अगर ये काफी देर तक रख दोगे ना इसे आप, तो क्या बन जाता है, रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हम इसे फायर के पास में लेकर के जाते हैं तो इतना बढ़िया रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, ये एक डैजलिंग वाइट। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, एक से एक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं और उसके पहले एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड की लेयर्स इस पे चढ़ी हुई है ना, और ये एक फ्रेश वाली है। देयर इज टू रील्स है ना, एक जो है वो नई वाली जो है वो लस्टरस है, बिल्कुल चमकदार दिख रही है, लेकिन अगर ये काफी देर तक रख दोगे ना इसे आप, तो क्या बन जाता है, रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब कैसा हो गया, डल कलर बना देता है ये। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने सैंड पेपर ले लिया, यहाँ पे सैंड पेपर देख लो आप, और एक छोटा सा पीस लेकर के हम इसे रब करते हैं है ना। आप इसे रब करना स्टार्ट करते हो बहुत तरीके से, जब आप इसे रब कर देते हो तो इसके ऊपर का जो ऑक्सीजन लेयर है वो पूरी तरीके से हट गया है। क्या हुआ है, वो ऑक्सीजन लेयर पूरी तरीके से हट गया है। अब जब ऑक्सीजन लेयर हट गया मींस क्या हुआ था, उसमें ऑक्सीडाइज हुआ था, वो ऑक्सीजन लेयर आपने सैंड पेपर से घिस करके हटा दिया उसका। अब उसको आप बर्निंग करोगे ना तो बड़े इजीली तरीके से होता है, तो देखते हैं उसका बर्निंग किस तरीके से होता है। नाउ लेट अस सी। सो लिया हमने इसको और जैसे ही हम इसे फायर के पास में लेकर के जाते हैं तो इतना बढ़िया रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, ये एक डैजलिंग व्हाइट कलर आता है ना, नॉर्मल कलर से नहीं जलता ये। अच्छा एक बात और, बहुत सेंसिटिव होता है, डायरेक्टली अपनी आंखों से इसे देखना भी नहीं चाहिए है ना। अब ये जो बचा हुआ रेसिड्यू है, ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन आपका, ये जो व्हाइट कलर का आपका रेसिड्यू बचा हुआ है इसको आप अलग से ब्रेक करके देख लो, ये आपका आ गया है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और रिएक्शन लिखा हुआ है Mg+O2 और ये बना क्या रहा है MgO। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अभी चलते हैं वापस से क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुझे करेक्ट लगता है, और ये कहता है रिमूवल ऑफ लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। रिबन सरफेस से आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव कर लिया, इसीलिए आपने सैंड पेपर से उसे क्या किया था, रब किया था, ठीक है। अच्छा ये अनवांटेड होता है, क्यों रब करते हैं, डायरेक्ट भी तो जला सकते हैं, लोग जलाते हैं, बट क्या होता है ना कि बर्निंग उतनी इफिशियंटली हो नहीं पाती। अब बर्निंग इफिशियंटली नहीं हो पाएगी तो मतलब क्या है, तो ये अनवांटेड होता है, ऑक्सीडाइज जो हो जाता है मैग्नीशियम, और इसे हम हटा दिया करते हैं पहले से ही सैंड पेपर में। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, एक से एक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। केवल यहाँ पे मैं टिक नहीं करने वाला हूँ कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, बट यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करने वाले हैं।